कोटेदार संघ अध्यक्ष ने रिफाइंड तेल में हो रहे भ्रष्टाचार की खोली पोल। शुक्ल बाजार कोटेदार संघ अध्यक्ष प्रताप नारायण सिंह ने जैन बंगंज स्थित खाद और रसद विभाग के राशन गोदाम में पहुंचकर रिफाइंड तेल में हो रही कालाबाजारी का खुलासा किया। जैन बंगंज राशन गोदाम में कोटेदारों के राशन उठान के समय गोदाम प्रभारी अमित वर्मा रहते गायब और गोदाम प्रभारी के द्वारा रखे गए प्राइवेट आदमियों की निगरानी में कोटेदारों के राशन का होता है उठान। कोटेदारों ने रिफाइंड तेल में हो रही कालाबाजारी से जमकर हंगामा काटा। कोटेदारों ने कोटेदार संघ अध्यक्ष प्रताप नारायण सिंह को फोन करके जैन बंगंज स्थित खाद और रसद विभाग के गोदाम में बुलाया। गेहूं चावल के साथ मिलने वाले रिफाइंड तेल में हो रही कालाबाजारी को रोकने की अपील की। कोटेदार संघ अध्यक्ष प्रताप नारायण सिंह ने गोदाम प्रभारी अमित वर्मा से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन गोदाम प्रभारी अमित वर्मा ने फोन नहीं उठाया। कोटेदारों ने इस संबंध में आपूर्ति विभाग के अधिकारियों से शिकायत करने की बात कही। वहीं कथित तौर पर जैन बंगंज स्थित खाद व रसद विभाग के गोदाम से गोदाम प्रभारी अमित वर्मा के द्वारा रिफाइंड तेल की हेराफेरी की जा रही है। कथित तौर लोगों का कहना है कि गोदाम प्रभारी अमित वर्मा ने प्राइवेट में अपने कुछ आदमी रखे हैं, उन्हीं से राशन और रिफाइंड तेल की कालाबाजारी करवाते हैं। वहीं कोटेदारों का कहना है कि खाद्यान्न के साथ रिफाइंड तेल कम करने पर कार्ड धारकों के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में जब गोदाम प्रभारी अमित वर्मा से बात करना चाहा तो फोन नहीं उठाया। नाम भैया आपका? हमारा नाम प्रताप नारायण सिंह है। किस पद पे हैं आप? कोटेदार काका शुक्ल बाजार काका ब्लॉक अध्यक्ष। क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि जहाँ सेंटर पर कोई है नहीं। हाँ, हमारे सारे कोटेदार परेशान हैं सुबह से। हाँ, तेल जो भी काका आया है एक गत्ते में एक एक पैकेट कम है। अभी आपने भी जो है का पूरा तौल कराया, तौल में भी कम है। हैं, बाकी गत्ते छाड़ दिए गए। सुबह से हम लोग परेशान हैं, कोई यहाँ पुख्ता हाल नहीं सेंटर पर। यशमाई कहाँ है? यशमाई को फ़ोन करो, सारे कोटेदार फ़ोन करें, काका जी को उठा नहीं रहे फोन। किसकी देख रेख में उठान होता है? पता नहीं, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि कोई यहाँ ही नहीं सेंटर पे। इसकी शिकायत आपने किसी उच्च अधिकारी से की है? अभी तो हम आए भैया, आए अभी हम चालू कराए हैं, आए उसके बाद जसमाई को फ़ोन किया। जसमाई को तीन बार फ़ोन किया। सारे कोटेदार सुबह से परेशान हैं फ़ोन करके। हम तो जो दूसरे से बात करते हैं, कोटेदारों से नहीं बात करते हैं। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कार्रवाई हो। हमारे कोटेदार को तौल के सामान दिया गया है। कोई दिक्कत है तो राजा जसमाई साहब सामने आओ, पूरी बात बताओ क्या दिक्कत है उनको। जसमाई फ़ोन नहीं उठा रहे हैं? हाँ, तीन बार हमने फ़ोन किया उनको। एसडीएम से बात की आपने? नहीं, केडीएम साहब से नहीं बात किया। पूर्त निरीक्षक से? पूर्त निरीक्षक क्षेत्र में है। बात हुई आपकी? नहीं, हमारी बात हुई। मेहता हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर कृष्णा नगर मथुरा। निसंतान दंपतियों के लिए अब एक वरदान। अब्रज क्षेत्र के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली और आगरा जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री और प्रसूति रोग आईवीएफ सेंटर, नवजात शिशु और बाल रोग, सभी प्रकार के हड्डी और जोड़ों के ऑपरेशन, जोड़ बदलना, आर्थ्रोस्कोपी, सारे जटिल फ्रैक्चर का उपचार अब एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अति अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें, लेप्रोस्कोप, इक्विलेटर, नेमोलाइजर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मेहता हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं। मेहता हॉस्पिटल कृष्णा नगर मथुरा।